अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। आज फलकनामा पीएस में 645 की एक कंप्लेंट आई थी, 6 साल का बच्ची मिस हो गए। हम मोहिनाबाद से, मेरा रिलेशन को फंक्शन था, वो यूसुफ गुलशन फंक्शन हॉल नियर श्यामा टाकिस में 3:30 फंक्शन को आए थे। बच्ची, छोटा बच्चे, 6 साल का बच्चा और छोटा छोटा बच्चे पूरा खेल रहे थे, उसके ऊपर इसका माँ बाप ध्यान नहीं रखे थे। बाद में आफ्टर फंक्शन कंक्लूड होने के बाद बच्चे को देखा तो बच्ची नहीं दिखा रही थी, इधर उधर घूमे, बच्ची नहीं आए बोल के डायरेक्ट अपना पीएस को आया था। पीएस होने के बाद हम इमीडिएटली कंप्लेंट रिसीव कर लिए। रिसीव करने के बाद कैसे आया हम उसको बोले तो हम 3:30 बजे को फंक्शन को आए थे साहब। बाद में हम 7:45 ओ टाइम को देखे तो बच्ची नहीं था बोले तो अर्जेंट हम हमारा बीसी वाला को अलर्ट करे और हमारा पेट्रोल कार्स और उससे साथ हमारा सीसी कैमरा बहुत मेरे को यूज में आया था, पूरा सीसी कैमरा टेस्ट करे, पूरा चेक करे। चेक करने के बाद पूरा गौशाला सामने से पूरा टूवर्ड्स अपना शाम अपना बड़ी मस्जिद शमशेर के मिश्रीगंज बड़ी मस्जिद के पास हम वहाँ गए, थोड़ा इंक्वायरी करे तो थोड़ा लोग अपना लोग बोले साहब एक बच्ची था यहाँ हमारे घर में है बोल के बोले थे। वहाँ जाके हम इंक्वायरी करे तो वो बच्ची सेम मिसिंग हो गया, ऐसे बच्ची है। विद इन 2 आवर्स में हम बच्ची को ट्रेस आउट करके उसका पेरेंट को हैंड ओवर करे, पेरेंट्स को भी बहुत हैप्पी भी फील हुए वो। अब मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ, अगर पेरेंट को कभी फंक्शन को आए तो बच्चे को देखना, बच्चे के ऊपर थोड़ा केयर लेना, अपना काम अपन करे तो बच्चे अगर मुश्किल से कोई लेके गया तो बहुत मुश्किल। मैं गुजारिश क्या कर रहा हूँ, पेरेंट्स कभी भी फंक्शन को आओ, कौन सा अकेशन को आए तो भी बच्चे को देख लेना। ये है